क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शहर है जहां रास्ते पर चलते हुए मोबाइल चलाना गैर कानूनी है? और क्या आपको पता है कि अगर एक इंसान एक ज्वालामुखी के अंदर गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? तो ऐसे ही कमाल के रैंडम फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि सऊदी अरब के राजकुमार जिनका नाम है अल वईद, जिनके पास एक मर्सिडीज कार है और इस कार का दाम है 312 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने, इस कार का दाम है 312 करोड़। और इस कार का दाम 312 करोड़ इसलिए है क्योंकि इस कार के चारों तरफ सिर्फ हीरे ही हीरे जड़े हुए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो कार है ये पूरा का पूरा डायमंड से ही ढका हुआ है। और एक और खास बात इस कार की ये है कि इस कार को सिर्फ छूने के लिए आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ एक कार को छूने के लिए, वो भी एक बार, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। और इस कार को छूने के लिए इतना पैसा क्यों देना पड़ेगा, वो आप इस कार को देखने के बाद इसका अंदाजा लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि चाइना के कुछ चिड़ियाघर यानी जू, जहां जंगली जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, बट चाइना में जो ये चिड़ियाघरों का सिस्टम है ये उल्टा ही चल रहा है। यहाँ जानवरों को चिड़ियाघर यानी जू में खुला छोड़ दिया जाता है और इंसानों को एक गाड़ी में पिंजरे के अंदर बंद होकर पूरा चिड़ियाघर घूमना पड़ता है, क्योंकि इन चिड़ियाघरों के मालिक का यह मानना है कि जब जानवर पिंजरे में बंद होते हैं तब हम इंसानों को बहुत मजा आता है उन्हें पिंजरे के अंदर देखकर, लेकिन अब जब लोग पिंजरे के अंदर बंद होते हैं तब उन्हें जानवरों की फीलिंग समझ में आती है कि पिंजरे में बंद होकर कैसा लगता है। और इनके मालिकों का यह भी कहना है कि आज़ाद रहना पृथ्वी के हर एक जीव जंतु का अधिकार है और वो हम उन जानवरों को दे रहे हैं उन्हें खुला छोड़कर। फैक्ट नंबर 8, आप ये फोटो देखिए, क्या लग रहा है? लग रहा है ना कि एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है और एक लड़का उसे झुककर गले मिल रहा है, ऐसा ही लग रहा है क्या? थोड़ा गौर से देखिए इस फोटो को, ये हमारे आंखों का इल्यूजन है। अगर इस फोटो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिए इस फोटो को, तो सच्चाई ये है कि एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक लड़की उसे झुककर गले मिल रही है, ना ही लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है और लड़का उसे गले मिल रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो लड़का कुर्सी पर बैठ के कंप्यूटर चला रहा है और लड़की उसे आकर गले मिल रही है। इस फोटो को खींचने वाला इंसान भी पहली बार कंफ्यूज हो गया कि कौन किसे गले मिल रहा है, लड़का लड़की को गले मिल रहा है कि लड़की लड़के को गले मिल रही है। है ना एक कमाल का इल्यूजन, लेकिन सच्चाई यही है कि लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है और लड़की आके उसे गले मिल रही है। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि आपने सुना होगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शहर के जो ज्यादातर घर हैं वो पिंक कलर से पेंट किए गए हैं और इसलिए इस शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। पर राजस्थान में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनका नाम उनके कलर्स के अकॉर्डिंग जाना जाता है, मतलब राजस्थान में से बहुत सारे शहर हैं जिनका अपना अपना रंग है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर कहा जाता है, वैसे ही राजस्थान में मौजूद जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर के ज्यादातर जो घर हैं वो ब्लू कलर से पेंट किए गए हैं। और यही एक और शहर है जिसका नाम है जबलपुर, जिसे कहा जाता है पर्पल सिटी, क्योंकि यहाँ के जो ज्यादातर घर हैं वो पर्पल कलर से पेंट किए गए हैं। और एक और शहर है उदयपुर, जो कि राजस्थान ही में है, और इस उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर जो घर है वो व्हाइट कलर से पेंट किए गए हैं। और इन्हीं खास बातों के कारण राजस्थान को एक यूनिक राज्य माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने मुगल आजम मूवी का नाम सुना है? जो लोग पुराने मूवीज देखना पसंद करते हैं उन्होंने मुगल आजम मूवी का नाम एक न एक बार जरूर सुना होगा। और जिन्हें नहीं पता कि मुगल आजम क्या है, तो मुगल आजम एक ओल्ड क्लासिकल मूवी है जो 1960 यानी 1960 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म की एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस फिल्म का हर एक सीन 3 भाषाओं में शूट किया गया था। जी हाँ, सही सुना आपने, मुगल आजम मूवी का हर एक सीन 3 लैंग्वेजेस में शूट हुआ था। और अगर मैं इसे एक्सप्लेनेशन में बताऊं तो इस फिल्म का जो हर एक सीन है उसके डायलॉग्स को इस फिल्म के एक्टर्स ने 3 भाषाओं में बोला है, मतलब हर एक सीन के लिए एक्टर्स ने एक बार हिंदी भाषा में डायलॉग बोला,
फिर एक बार उसी सीन के लिए एक्ट्रेस ने इंग्लिश भाषा में डायलॉग बोला और वापस फिर उसी सीन के लिए एक्ट्रेस ने तेलुगु भाषा में डायलॉग बोला। और इस फिल्म के एक और हैरान कर देने वाली बात मैं बता दूं कि इस फिल्म को बनाने में 16 साल का समय लगा था। जी हाँ, सही सुना आपने, इस फिल्म को बनाने में 16 साल का समय लगा था। और जब ये फिल्म 1960 में रिलीज़ हुई तब उस समय इस फिल्म को बनाने में 1 करोड़ का खर्चा आया था। जी हाँ, सही सुना आपने, 1960 यानी आज से 60 साल पहले एक फिल्म को बनाने में 1 करोड़ रुपए खर्चा आया। सोच लीजिए, अगर ये फिल्म आज बनता तो इस फिल्म में आज कितना खर्चा आता। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि ये जो फोटो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये इस दुनिया की सबसे रियलिस्टिक यानी सबसे ज्यादा असली दिखने वाली पेंटिंग है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये एक पेंटिंग है, ना ही एक लड़की। आपको लग रहा है ना कि ये एक लड़की खड़ी है, लेकिन जी नहीं, ना ही ये फोटो है, ये एक असली का पेंटिंग है। और इस पेंटिंग को बनाने वाले इंसान का नाम है ली जू, जिन्होंने एक बहुत ही काफ़ी मुश्किल से और मेहनत से इस पेंटिंग को बनाया है। और इनकी मेहनत का नतीजा आप देख ही सकते हो। और जो भी इंसान इस पेंटिंग को पहली बार देखता है वो यही सोच लेता है कि ये एक असली लड़की है, लेकिन जी नहीं, ये सिर्फ एक पेंटिंग है। और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये इस दुनिया की सबसे ज़्यादा असली दिखने वाली पेंटिंग है। इस पेंटिंग में मौजूद लड़की के चेहरे से लेकर कपड़े से लेकर बाल तक हूबहू एक असली लड़की की तरह लग रहे हैं, लेकिन जी नहीं, ना ही ये एक असली लड़की है और ना ही एक फोटो है, ये एक पेंटिंग है। फैक्ट नंबर 4, हमारे देश भारत में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिलता है? तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि सऊदी अरब, क्योंकि यहाँ की ज़मीन के नीचे बहुत सारा तेल पाया जाता है। लेकिन जी नहीं, आप गलत है, इस दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है वेनेजुएला नामक देश में। जी हाँ, सही सुना आपने, वेनेजुएला में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल मिलता है और यहाँ 1 लीटर पेट्रोल का दाम है सिर्फ 2 रुपये। जी हाँ, सही सुना आपने, 2 रुपये में यहाँ 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता है। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि आपको पता होगा कि साइंटिस्ट का यह मानना है कि रोने से हमारे दिमाग से टेंशन और स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है। और साइंटिस्ट की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जापान के लोग एक छोटा सा त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है रुई कात्सु। और इस त्यौहार में बहुत सारे लोग एक जगह बैठकर एक बड़ी टीवी स्क्रीन में बहुत दुखी दुखी वीडियो क्लिप्स और रुला देने वाली मूवीज देखते हैं और बहुत रोते हैं। और इनका यह मानना है कि जिंदगी से दुख और स्ट्रेस को कम करने के लिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। और सच बोले तो हमारा इससे मन भी हल्का होता है और हमारे दिमाग से स्ट्रेस और टेंशन भी बहुत कम होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि अगर एक इंसान ज्वालामुखी के अंदर गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? अगर मैं प्रोसेस वाइज समझाऊं तो एक इंसान अगर ज्वालामुखी के अंदर गिर जाता है तो सबसे पहले उसका जो शरीर है वो ज्वालामुखी में मौजूद लावा में तैरने लगेगा। और हमारा शरीर लावा के अंदर इसलिए तैरने लगेगा क्योंकि हमारे शरीर का जो डेंसिटी है वो लावा के डेंसिटी से ज़्यादा है और इसलिए हम लावा में तैरने लगेंगे। और लावा में तैरते तैरते हमारा पूरा शरीर जल जाएगा और इसी कारण हमारी मौत हो जाएगी। लेकिन तब भी हम उस लावा में डूबेंगे नहीं क्योंकि उसका डेंसिटी है कम है हमारे शरीर के अकॉर्डिंग। बस 10-20 मिनट के बाद जो हमारा शरीर है वो लावा में ज़्यादा समय तक तैरने की वजह से अचानक ब्लास्ट हो जाएगा यानी फट जाएगा और हमारे शरीर के छिदड़े छिदड़े उड़ जाएंगे उसी ज्वालामुखी के अंदर। और जो मैंने ये फैक्ट बताया, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि ज्वालामुखी के अंदर गिरने के बाद हमारा जो शरीर है वो पूरा डूब जाएगा और हम खाक हो जाएंगे लावा में मिलकर, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम गिरेंगे तो लावा में तैरने लगेंगे, तैरने के बाद हमारा जो शरीर है वो पूरा जल जाएगा जिसकी वजह से हमारी मौत हो जाएगी। हमारी मौत होने के 10-20 मिनट बाद जो लावा जो है उसकी वजह से हमारा शरीर पूरा ब्लास्ट कर जाएगा और हमारे छिथड़े छिथड़े उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जापान का यामाटो शहर इस दुनिया का ऐसा सबसे पहला शहर है जहां आप रास्ते पर चलते हुए मोबाइल फोन नहीं चला सकते? जी हाँ, सही सुना आपने, रास्ते पर चलते हुए मोबाइल फोन नहीं यूज कर सकते। यहाँ रोड या गली या किसी भी जगह पर चलते वक्त मोबाइल चलाने पर बैन लगा दिया गया है। और अगर आप इस शहर में रास्ते पर मोबाइल फोन चलाते हुए दिख गए तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
क्योंकि यहाँ पर रास्ते पर चलते हुए मोबाइल फोन चलाना गैर कानूनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों के लिए एक खास चीज है, और वो ये है कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना कि नो वन कैन रीड, यानी इसे कोई नहीं पढ़ सकता, और अगर आपने इसमें लिखे हुए पूरे लाइन को कमेंट बॉक्स में सही सही लिख दिया तो आप इस दुनिया के 55% इंटेलिजेंट लोगों में से एक हो। तो दम है तो जाओ और इसे सही सही लिख कर दिखाओ कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।